Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 23. Think of the situation when you feel the need for writing a letter to your principal. Un situation ke bare mein socho jab tumhe principal ko letter likhne ki zarurat padti hai. To aapka jo hai application for sick leave jab aap chutti lete hain tab aap principal ko letter likhte hain. Request for scholarship, application for sister's marriage, request for some facilities, expressing gratitude, remission of fine, application for an urgent piece of work. तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो. In the previous worksheet, we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage. पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि आपको अपनी सिस्टर की मैरिज अटेंड करनी है उसके लिए कैसे लेटर लिखा जाए. देर आर सो मैनी अदर सिचुएशंस इन योर लाइफ, हमारी लाइफ में और काफ़ी सिचुएशंस हैं व्हेन यू कैन नॉट अटेंड योर स्कूल, जब आप अपना स्कूल अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क एट योर होम, क्योंकि आपके घर पर कोई ज़रूरी काम है. इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. तो इस वर्कशीट में हम एप्लीकेशन लिखेंगे, घर पर कोई ज़रूरी काम है इसलिए आपको छुट्टी चाहिए, तो वो एप्लीकेशन लिखना हम इस वर्कशीट में सीखेंगे. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स. तो नीचे जो है लेटर दे रखा है और उसमें बॉक्स में क्लूज दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आपको ये लेटर कंप्लीट करना है. तो आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट याद होगा कि सबसे पहले हम द प्रिंसिपल लिखते हैं, जब प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं लेटर टू प्रिंसिपल में, फिर स्कूल का नाम, जैसे आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, फिर आपका स्कूल एड्रेस कहाँ पर है वो मॉडल टाउन, फिर आपको डेट लिखनी है. तो आज डेट है 16 दिसंबर 2020, तो वो आपको डेट लिखनी है. फिर सब्जेक्ट, लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. जो सब्जेक्ट है वो आपके क्वेश्चन में ही मिल जाता है. देखो आपका सब्जेक्ट यही है, क्या चाहिए आपको, 1 डे लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, ये आपका सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट में हो जाएगा लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. सब्जेक्ट जो है छोटा होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये पर्पज है हमारा सब्जेक्ट है. फिर हमें सर और मैडम लिखना है. आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल मैडम है तो सर को हटा देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मैडम. ओके, उसके बाद जो है आई एम ए, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट ऑफ 7th A, यहाँ पर क्लास और सेक्शन आ गया है. मैं 7th A की छात्रा हूँ. ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे बहुत ज़रूरी काम है एट होम, घर पर. आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टूडे, इसलिए मैं आज का स्कूल अटेंड नहीं कर सकती. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टूडे, इसलिए आज की मुझे छुट्टी दे. दैट इज़, वो कौन सी डेट है जिसकी छुट्टी चाहिए, 16 दिसंबर. तो इस तरह से आप ये अप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे प्रिंसिपल को. फिर हम कहेंगे थैंक यू, योवर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर आपका जो नाम है आपको नाम लिखना है, जैसे रिया है तो रिया. फिर आपको क्लास लिखनी है 7th A. ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल आसान था, आपने 6th में भी सीखा था. तो इस लेटर को आपको याद भी करना है और जब भी आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क से छुट्टी लेनी पड़े तो ऐसी एप्लीकेशन आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम लिखनी है. तो इस वर्कशीट बिल्कुल आसान सी थी स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.